एक ओर जहां इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी के चलते बेटमा एवं आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बरती जा रही है। ऐसा ही एक मामला बेटमा के समीपस्थ ग्राम माचल में देखने को मिला है, जहां आंगनवाड़ी और आशा सुपरवाइजर की सक्रियता के चलते सीहोर से पैदल आए जितेंद्र नाथ को शासकीय स्कूल में 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट किया गया है। उक्त व्यक्ति मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। इस मौके पर पटवारी, सरपंच और सचिव मौजूद रहे। देवपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। गवर्नमेंट स्कूल है माचल में, वहाँ पे रखा हुआ है और ये पैदल चल के आष्टा जिला है, सीहोर जिला सॉरी, और अन्नूखेड़ी करके कोई गांव है, वहाँ से पैदल चल के माचल आया है। टेम्परेचर नॉर्मल है और सर्दी खांसी फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है उसको, नॉर्मल है 14 दिनों के लिए। जी सबसे आशा है और पंचायत में मंत्री वगैरह हैं और चौकीदार वगैरह है, सब लोग इनको देखते रहेंगे डेली। जी पंचायत और उनके घर वाले सभी लोगों को बोल दिया है, सब उनका ध्यान रखेंगे। 2 से 3 महीने के आसपास बाहर गए हुए थे, कोई परिचित है इनका भाई वगैरह के यहाँ, वहाँ गए हुए थे, जो कि वहाँ पे लॉकडाउन होने के चक्कर में वहीं अटक गए थे। बता दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।